आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ए में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे NM भर्ती 2023 को लेकर। तो साथियों, सभी बहनों को इंतज़ार है कि उनकी नियुक्ति कब मिलेगी, तो उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, दीपावली पर पूरी पूरी संभावना थी NM की नियुक्ति की, लेकिन उपचुनाव के कारण नियुक्ति नहीं मिली और मंत्रिमंडल के द्वारा भी अप्रूवल नहीं मिला, तो नियुक्ति दीपावली पे नहीं मिली। अब उनको इंतज़ार है क्योंकि 13 नवंबर को उपचुनाव है और उपचुनाव के बाद क्या उनको नियुक्ति मिल सकती है, तो उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और स्वास्थ्य जुड़ी, NM से जुड़ी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, UTV या अन्य कोई भर्तियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी सूचना आप समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है उस कॉल कर, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। उसी के साथ हमारे एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है नर्सिंग एम नाम से, जिसका लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर जो भी PDF होती हैं या अन्य कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। और उसी के साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो। साथियों, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें राज स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट लेटर लिखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो राज स्वास्थ्य की जो मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट साथियों, ये ओपन हो गई है, चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, तो ये ओपन हो गई है साथियों। फिर आपको इसमें क्या करना है, जो होम वाला बटन है साइड में, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो दिखाई देगी। तो साथियों, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई नियुक्तियाँ, कौन कौन सी नियुक्तियाँ दी गई है वर्तमान सरकार में, आभा बनाओ डिजिटल हो जाओ, कैबिनेट हेल्थ ऑफिसर, संविदा CHO भर्ती 2020 के संबंध में 5400 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी के संबंध में, लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। तो आपको क्या करना है साथियों, ये सारी जानकारियाँ रखिए, आपको इस पे क्लिक करना है, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई नियुक्तियाँ, इस पे आपको क्लिक करना है। और साथियों, आपको पता है कि दिसंबर में सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और रोजगार मेला भी है, तो आपको रोजगार मेला में नियुक्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उससे पहले मिल सकती है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सभी सर्वग में दी गई नियुक्ति और विवरण विभाग की सूचना 462 दिनांक 28/10/2024 की अपडेट है साथियों। तो इसमें से मेडिकल हेल्थ पदनाम DT, ऑप्थेमिक असिस्टेंट, ECG, LT, ARG, इन सबको नियुक्ति दी जा चुकी है। इन सभी को नियुक्ति दी गई है और कुछ का अभी होल्ड पर है, जैसे DT में 32 प्रक्रियाधीन है, 3 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ECG में 23, LT में 28, ARG में 103 और NM में अभी तक 306 बने होल्ड पर है, प्रक्रियाधीन है, उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो NM 4847 पदों पर ये भर्ती हुई थी, बोनस अंक के आधार पर ये भर्ती हुई थी और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, सारा प्रोसेस हो गया, लिस्ट भी जारी हो गई और पोर्टल भी ऑप्शन भी ले लिए गए थे। TSP, नॉन TSP, TSP में 5000 मांगे थे और नॉन TSP में, सॉरी, TSP में 20 ऑप्शन मांगे गए और नॉन TSP में 50 ऑप्शन मांगे गए थे, तो ऑप्शन भी भराए गए थे। और सभी विभाग जो CMHO PMO है उनसे भी डिटेल मांगी गई थी कि कितनी NM लगी हुई है और कितनी पोस्टें खाली है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया था विभाग ने। तो साथियों, आपको
एनएम 4,847 पद, नव नियुक्ति अभ्यर्थियों की संख्या 4,541 पदों पर, 4,541 पदों पर एनएम की नियुक्ति होने वाली है और 306 बहने अभी भी होल्ड पर है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 29 पोस्ट थी, 26 की नियुक्ति अभी बाकी है और 3 है वो होल्ड पर हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पे एनएम वाली लिस्ट पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो हमने ऑलरेडी पहले ही डाउनलोड कर रखी थी तो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो एनएम बहनों की ये लिस्ट है डाउनलोड हो गई है, जैसा कि आप देख रही हैं स्क्रीन पे। क्रम संख्या अभ्यर्थी का नाम, पद नाम, रोल नंबर, जेंडर, कैटेगरी किस कैटेगरी से, और नियुक्ति आदेश अभी तक डेट दी नहीं है, पद स्थापन अभी दिया नहीं है, गृह जिला बता दिया गया है, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, तो गृह जिला सबका है, लेकिन अभी उनको नियुक्ति के आदेश नहीं मिले हैं कि उनको नियुक्ति कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो डेट है वो जारी नहीं की है। तो 13 नवंबर को उपचुनाव है, उसके बाद है आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये लिस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का है तो उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट है वो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 4,541 कैंडिडेट की लिस्ट है। अब नियुक्ति आदेश मिलते ही तो 13 को उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद आपको नियुक्ति आदेश मिल सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको नियुक्ति आदेश नहीं मिलते हैं तो रोजगार मेले में आपको नियुक्ति आदेश मिल सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल की अप्रूवल बाकी है, अगर मंत्रिमंडल अप्रूवल कर देते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा तो नियुक्ति आपको 13 के बाद कभी भी मिल सकती है। तो आप तैयार रहें, ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है एनएम बहनों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि काफ़ी बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सर एनएम को नियुक्ति कब मिलेगी। तो एनएम की नियुक्ति 13 के बाद, क्योंकि आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी 7 जिलों की, क्योंकि आचार संहिता के कारण नियुक्ति अटकी हुई थी, तो आचार संहिता जैसे ही खत्म हो जाएगी तो नियुक्ति आपको कभी भी दी जा सकती है। तो आप प्रिपेयर रहें, कौन सा जिला है और ड्यूटी कब ज्वाइन करनी है, जो भी मिले आप तुरंत ज्वाइन कर लें। तो ये संदेश था, और जो मैंने यूटीवी पे लगी हुई अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे उनका एक्सटेंशन भी कर रखा है 30 नवंबर तक, अगर परमानेंट भर्ती हो जाती है तो उनका एक्सटेंशन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि नोटिस में दिया हुआ था कि अगर परमानेंट स्टाफ आ जाते हैं तो उनका कार्यकाल कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और नर्सिंग ऑफिसर चयन सूची को लेकर ये अपडेट है कि उनकी लिस्ट भी जल्दी आने वाली है, उनका भी पुनः सत्यापन चल रहा है, और फार्मासिस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उनके भी डिग्री की जाँच चल रही है जिन्होंने बाहर से करके आई हैं, MP, पंजाब, अदर राज्य से डिग्री करके हैं, उनकी डिग्री की जांच हो रही है, और नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन का कार्य चल रहा है। तो ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद जय भारत।